ठीक है, इधर मारो इनके तरफ। अभी ये पेशेंट का सवाल जवाब कर, कितने लाख दिए मुझे? 5 लाख, 10 लाख? तो कुछ भी नहीं दिया था, हाँ? खाली फीस दी। कितने बारी में सवाल हुआ ये? एक ही बारी में हुआ। अभी तुम अंदर आए तो मेरे को दिए होंगे ना 2 लाख, 5 लाख, हाजिर करने के 1 लाख, 50 हजार, 25 हजार, 10 हजार, कुछ तो दिए होंगे। बोलो, दुनिया देख रही तुम आप उधर? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। मारो उधर क्या मारो। कहाँ से आए थे? छत्तीसगढ़ भी नहीं। ठीक है, इधर मारो मेरा कैमरा। ऐसी बातें हैं, बहुत सारे राज है। क्या बोल? मैं वो जादूगर, जादूगर और उसकी जादू के पूरे अमलियात से आज जादू के सारे लोगों को सबके इससे आजाद हूँ। किससे आजाद हूँ मैं? उसके जादू के मंत्रों से, तंत्रों से, उसकी क्रियाओं से, सब चीजों से आजाद हूँ। वरना से सब चीज से मैं आजाद हूँ। आज से मैं गुलाम हूँ सैयद टीपू सुल्तान के दर का। गुलाम हूँ सैयद टीपू सुल्तान के दरबार की खिदमत करूँगा। खिदमत करूँगा हजरत के पास आने वाले लोगों की खिदमत करूँगा। हजरत के पास आने वालों की खिदमत करूँगा। और जो भी हजरत के दर के बारे में, हजरत के दर के से हाँ पूरी ताकत लगा। हाँ क्या नाम है? अच्छा, ये खैरुन निसा को, माहिरुन निसा को कैसा मारो बोले थे? बीमारी डाल के सुसाइड करके। हाँ कैसा मारो बोले माहिरुन निसा को? हाँ जोर से बोल, बीमार करके मार दो बोले, बीमार करके मारो बोले। अच्छा, ये जिस इस पर जिसने जादू किया वो औरत है कि आदमी है? कौन है? औरत है। अच्छा, वो औरत किधर की है? इसके माँ के खानदान की है महिरुन्निसा के बाप की है कि ससुराल की तरफ की है? हाँ किधर की है? जोर से बोल, ससुराल की तरफ की है। अच्छा, इसको जादू करके कितना वक्त हुआ? महिरुन्निसा पे जादू चला कर कितना वक्त हुआ? कितना? जोर से बोल, कितना? एक साल। अच्छा, जादू करते वक्त महिरुन्निसा का क्या लग गए थे? कपड़ा, बाल, चप्पल, मट्टी, क्या लिए थे? सर के बाल लिए थे क्या? मट्टी लिए थे पैर के नीचे की क्या? कपड़ा लिए थे, चप्पल लिए थे, क्या चीज लिए थे? हाँ जोर से बोल। हाँ क्या? खाने में खिलाए थे। कौन सा खाना था वो? क्या था? कौन सा खाना था वो? जैसे पीछे से क्या खाना था? रोटी। किस चीज की रोटी थी? बाजरे की, मक्के की, गेहूं की, ज्वारी की? गेहूं की। अच्छा, तो वो रोटी ससुराल में खिलाए क्या मायके में खिलाए? ससुराल में। अच्छा, फिर क्या बोले थे? ये बच्ची को गला गला के मार दे बोले थे। अच्छा, कैसा मारो बोले? से एक्सीडेंट करा के सुसाइड का एक्सीडेंट। अच्छा, बीमार करके, गला गला कर। अच्छा, और इसका संसार भी तोड़ा दो बोले थे क्या? झगड़े भी लगा रहा था क्या तुम्हें अभी भी में? कमाई की बरकत भी उड़ा दिया था। आप बोलो क्या बोल रहे तुम? मैं बोली इसके पहले इसके अबू का इंतकाल हो गया, 5 साल हो गया, और उसके बाद ये दूसरी शादी करी 1 साल हो गया, तो वही दूसरा ससुराल है कि पहला? ये अच्छा, पहला ससुराल है कि दूसरा है इसका जिसने जादू किया तो? दूसरा। हजरत ये जानना है मेरे को कि इसके अंदर है क्या चीज? शमशान या कब्रस्तान? कहाँ से जादू करे थे?
तुझे कहाँ से पकड़े थे? शमशान से, कब्रस्तान से? हाँ जोर से बोल, कहाँ से? कब्रस्तान। मरा हुआ इंसान की बदरू, मरे हुए इंसान की बदरू है। हाँ। ये लोगों के खिल्लियां उड़ाता था, ये लोगों के मजे लेता था जिन्नाते बोलकर। बेवकूफ बनाता था, बेवकूफ खैरू लोगों को उल्लू बनाता था। बोल रहे इनको जिन्नात नहीं है, शैतान है, तो जिन्नात ही बोल रहे हमारे अल्लाह बोले तो। हाँ और दूसरी बात क्या बोलते, तो तुझे जादू चलाने को, जो जादूगर को तेरे मालिक को पैसे दिए थे, कितने दिए थे उन्होंने लड़की पर जादू चलाओ बोलकर? कितना कितना कितना, जोर से बोल, कितना कितना कितने? 50,000, 1,00,000, 25,000, कितने? 2,00,000। अच्छा वो तुझे नहीं मालूम, ठीक है। अभी तक कितने इंसानों को मारा? अच्छा ये पहला शिकार था, ये पहला था। अब इसको अम्मा से मिल जाने का पुण्यम में। जोर से बोल, जोर से, अमावस्या में। इसके पहला स्वर बोल के हम लोग को, इसके अबू बोल के हम लोग को कितना नहीं करवाया, वो क्या बोलते हैं, फासिया दरूद दुनिया उनके तरफ मारो जी कैमरा, कलाम उधर से जाओ, कलाम पाक पकड़ सवाई हम तो पकड़ दे चले जाओ, मेरे को अजाब हो रही कब्रिस्तान जैसा सब मारो। बोलता ना मैं सब बोल के खिल्लिया उड़ा दो तुम्हारा, तुम क्या इल्म के जानकार है क्या? तुम्हारा जो सही से बात बोलेगा उन्हें इल्म के जानकार सब मालूम मरता रहा, इल्म के जानकार के सामने कर मारो के अजान भी दिया, इल्म के जानकार के सामने अगर झूठ बोला कि उसको जला कर आग कर दे, ये अजान दिया घर में बैठ। खबरस्तान से बोला ना मुसलमान से, बोलता था कि सही नहीं है गलत हो रहा है, इनको जाके बात करता था मेरी अम्मी से और बोलता था तेरे अब्बू आए हैं तेरे से मिलने के लिए, और इन लोगों को दुआ देता था बैठ और आके अपने सर पे हाथ रख कर दो, माफ कर दो, पूरा फिल्म में लोग कोई गलती नहीं है, और रात में, और ये रात में मारने की भी कोशिश किया, मेरा इस्तेमाल किया गया, इस्तेमाल किया गया, मेरा कोई गलती नहीं है। वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे तेरा, दुश्मनी क्या थी, जमीन जायदाद की, मेरा इसे कोई दुश्मनी नहीं, तेरे से नहीं, औरत को रास्ते से हटना था। अच्छा इसलिए मेरा इस्तेमाल किया गया, मेरा कोई गलती नहीं। क्यों मारे इसके शोहर को, क्यों रास्ते से हटाए, किस मामले में रास्ते से हटाए? ना नहीं चाहती, जोर से, कुछ छोड़ना नहीं चाहती। अच्छा तो उसके मरद को मारे जिसने, कौन लोग थे, क्या दुश्मनी थी? शोहर को छोड़ना नहीं चाहती वो औरत, जो अभी शादी शुदा जिसमें हयात में जिंदा के, उसके बारे जो जिंदा है उसके बारे में बोल रहा क्या? अच्छा छोड़ना नहीं, इसलिए तुम जो औरत को रास्ते से हटा दे रहे जादू करके सीधा, है ना? और पहले वाले शोर को कौन मारा उसके? खुद ब खुद नेचुरल तौर से ना, उसको पता नहीं, वो उधर दूसरे वाले ये इधर से आया ना, उधर की दास्तान इसको कैसे पता रहेगी, तुम्हारे घर की पहली इसको इधर की पता रहेगी ना पूरी। तो ये औरत वो आदमी को छोड़ रही है, दूसरा इनका जो निकाह हुआ उससे छूट रहा नहीं, तो खत्म ही करने के वास्ते कर रहे बोल रहा हूँ। उसके बेटे पे भी करे जादू, बच्चे पे भी करे, मारने का था रात को 3 बजे छत में बुलाता था, परेशान करने के लिए बोला। हाँ क्या बोला? बच्चों को परेशान करने के लिए बोला, मेरी कोई गलती नहीं। कौन बोला वो? औरत है। अब औरत के साथ और कौन मिला ला है, आदमी बच्चे और कोई मिला ला है क्या? औरत की माँ भी मिला ली है। अच्छा और कोई है, आदमी भी मिला ला है, कौन है? लोग
से भाई उंगलों पर आसन। हाँ साथ मिलकर इधर से हाँ करते हैं। हाँ क्या करते हैं? शक्ति है के साथ मिलकर काम करते। आपको चेहरा नहीं आ रहा उनका आ रहा है दोनों अभी उसका लो सवाल कर रहा हूँ। हाँ बोल हाँ आगे बोल। मेरे को बेवजह सताया गया। अच्छा कोई गलती नहीं। अच्छा इस्तेमाल किया गया। हजरत हम पहले मौलाना से इलाज करा रहे थे मोकिल के जरिए इसका इलाज कर रहे थे कम से कम 60% का ठीक हो चुका था। फिर ये तमाशा शुरू हुआ और ये इसको समझा रहा था कि वो हजरत की तरफ का मोकिल नहीं है। फिर क्या रही हूँ मैं सही आया मेरा इस्तेमाल किया मैं अपनी जगह पे था। कौन पकड़ा वो औरत ने आदमी ने वो जादूगर कौन है? तेरा नाम क्या है? मरने से पहले क्या नाम था? क्या नाम था तेरा मरने से पहले? जोर से बोल। हसनैन। हसनैन कौन से गांव के कब्रिस्तान से आया लाए तुझे पकड़कर? हसनैन। हसनैन तुझे कौन से गांव के कब्रिस्तान से पकड़े? हाँ तेरी उम्र कितनी थी जब मरा तू? तो 60 साल। कौन सा गांव था वो कब्रिस्तान गांव? हाँ नाम जलंधरपुर जगदलपुर। कहाँ आता ये जगदलपुर? थोड़ा 70 किलोमीटर दूर है शहर में। कौन से गांव से आए तुम लोग? छत्तीसगढ़। उधर मारते हैं क्या? मतलब कहाँ से आए? छत्तीसगढ़। बताई थी ना भाई मैं आपको फोन करी थी। हसनैन उसको दवा कितने बार खिलाए उस लड़की को खैरुन्निसा को? हाँ माहिरुन्निसा को एक किस चीज में? रोटी में डाली है वो रस। अच्छा उसके बच्चे को भी खिलाए क्या? बच्चे पे भी जादू किए क्या? बच्चों को सिर्फ परेशान किए वो। अच्छा परेशान वाला जादू किए। गंदी हरकत कर बदमाशी कर। कौन? वही शैतान। अच्छा तू इसको परेशान भी कर रहा था फिजिकली टच भी कर रहा था? बोला जाता था मेरे को मैं नहीं चाहता मैं नहीं चाहता बोला जाता था मेरे को नहीं चाहता मैं अल्लाह। मगर फिर भी तेरे को करने लगा रहे थे वो औरत के साथ फिजिकली टच करता था? मैं नहीं चाहता था क्योंकि ये औरत बहुत नेक है बहुत परहेजगार है। मैं इसका इसको कुछ नहीं करना चाहता था मेरे को मजबूर करते थे। मेरे को माफ कर दीजिए मेरी कोई गलती नहीं है। निकाल दो इसकी सारी दवा खींच के बाहर। और कुछ पूछना है क्या तुम्हारे लोगों को? नहीं बस मैं कोई गलत फहमी इनके इनके फिर क्या लेता था तू? इनको उल्लू बनाता था। मैं इधर से आया हूँ उधर से आया बोल बोल कर बोला बोला बोलने के लिए बोला गया। अच्छा तो तेरे को बोला गया था इनके फिर क्या ले इनको झूठ उल्लू बना मैं इधर से आया हूँ उधर से आया को परेशान किया गया इस औरत को परेशान करने के लिए। हम लोग मौलाना पे डाउट करने लगे।
मौलाना कुछ कुछ नहीं आता बेचारों को, कहाँ से उसको करेंगे राइट। जाएगा निकल के सीधा इधर से, हाँ यहाँ रह जा मेरे पास में, छोड़ दे उसको, छोड़ दे मेरे पास आ जा। हाँ आ रहा, आ रहा, वो लोग परेशान कर देंगे, मैं तुझे पावर दूंगा, वो लोगों को मार देना, उठा के पटने दे देना सबको। बोल क्या वापस चले जाता या मेरे पास आ जाता, क्या करता, जवाब दे जल्दी। के पास रहूंगा मैं, फिर बाहर मेरे फौज में शामिल रहना और काम करना, खिदमत खल्क करना, राह फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में अल्लाह के बंदों की मदद करना, ठीक है। और जो भी मेरे बारे में बुरा सोच रहे या बुरा कुछ करने की हरकत करने की कोशिश कर रहे, फौरी उनके घरों पे जाना, उनके बच्चों को मतलब उनके इसमें को बताना क्या रहता बुरा सोचने की सजा, फौरी सजा देना, ठीक है। चल तोबा तोबा कर अब जल्दी, जितनी भी गलतियां करा था। पढ़ मैं गवाही देता हूँ, अशहदुल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अशहदुल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अशहद अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज से मैं वो जादूगर, जादूगर और उसकी जादू के पूरे अमलियात से आज जादू के सारे लोगों को सबके इससे आजाद हूँ। किस जादू में? उसके जादू के मंत्रों से, तंत्रों से, उसकी क्रियाओं से, सब चीजों से आजाद हूँ। वरना से सब चीज से मैं आजाद हूँ। आज से मैं गुलाम हूँ सैयद टीपू सुल्तान के दर का, गुलाम हूँ सैयद टीपू सुल्तान के दरबार की खिदमत करूँगा, खिदमत करूँगा हजरत के पास आने वाले लोगों की खिदमत करूँगा, हजरत के पास आने वालों की खिदमत करूँगा। और जो भी, और जो भी हजरत के दर के बारे में, हजरत के दर के बारे में कुछ बुरा करने का सोचे, कुछ बुरा करने का सोचे या कोई साजिश रचने का सोचे, साजिश करने का सोचे, उनके दिमाग पढ़ लूंगा, उनके दिमाग को पढ़ूंगा और उनपे हमले करूंगा, और उनपे हमले करूंगा शरीयत के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से, ये मेरा वादा है। अब आज से तू इस दर का गुलाम है, तू आले रसूल औलाद अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दर का गुलाम है, तेरा नाम हसनैन है मगर तू आज से हसनैन के औलाद का गुलाम है, आले रसूल औलाद अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दर का, समझ गया। चल वो बच्ची को छोड़ और बाहर जाके खड़े हो जा हसनैन, जा बाहर शुमार हो जा, काम पे लग जा, खिदमत कर, आने वाले लोगों की खिदमत कर, जो भी लोगों के परेशानियां है, वारा है, छोटे मोटे हटाने की पूरी कोशिश कर, अल्लाह के राह में अल्लाह के बंदों की मदद फरमा। हमारे साथ मत आना, चल ठीक है, छोड़ दे वो लड़की को, बाहर खड़े हो जा, जा जा पीछे जाओ, कैमरा मैन पुतले के जैसा मत ठहराओ, जा रहे पीछे जा, छोड़ दे उसको, चल जा, छोड़ के जा, जा आजा, जा बाहर जाके खड़े हो जा, जा बाहर, छोड़ दे बच्ची को, छोड़, गेट खोल दो, छोड़ निकल, हाँ गेट खोलो, ये गेट के पास जाके खड़ा हो के गेट पे, जा जा छोड़ बच्ची को, छोड़ दे यहीं से, छोड़ अभी इसी जगह पे, छोड़ दे, छोड़ जगह पे से, तू हटा दो पीछे से उसके, उठ थोड़ा, उठ, छोड़ वो बच्ची को, चल छोड़ दे, छोड़ छोड़ छोड़, हाँ निकल जाना।
कैमरा में तमारो, ये जो मसला है ये दास्तान उसने भाई इनको पहले फिर क्या कर रहा था, इनके वो इनके मजे ले रहा था, क्या बोल बोल के मजे ले रहा था कि मैं मरहूम इनका पहला शोहर का इंतकाल होगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो वो हूँ बोलकर आंग में आकर इनको बना रहा था। फिर उसके बाद में क्या करा, फिर इलाज वालों के पास गए, इन्होंने कहाँ गए थे इलाज वालों के पास, तो वहां से आकर बोल रहा था कि मैं इनका भेजे बोल रहा। अच्छा उन्होंने भेजे और क्या बातें कर रहा था, मेरे को बंदिश करे इसके अंदर, हाँ बंदिश करे अंदर रहे, झूठे बता। फिर बाद में बहुत सारे इनके फिर क्या लिया, गुल्लू बनाया सब करा, जब यहाँ आए तो यहाँ आने के बाद तुम्हारे सामने लाइव में सब पूछा दिए कि उसको कोई खबर, मेरे को तो सब पहले से ही पता था मगर मैं मेरी जबानी कैसा बोलू, मैं मेरी जबानी बोलने के बाद भी पेशेंट को समझता नहीं, उन्होंने बोलते नहीं नहीं हम तो मानेंगे, इंसान का दिमाग है जब तक देखता नहीं जब तक मानता नहीं। तो फिर उसको पूछा मैंने कहाँ से आया था क्या है, तो उसने बयान किया मेरे को खबरस्तान से लाए, कौन लाए क्या लाए सारे बातें बयान हुए कि जो उसको ले जाओ निकाल के पूरा बाहर जा पूरा जा छोड़ के। हाँ फिर उसके बाद में सारी दास्तान बयान हुई, फिर उसके अलावा क्या है तो सामने आए सब बातें, और सबसे अहम बात कि उन्हें खुद ब खुद आए वाला नहीं था, अगर उन्हें खुद ब खुद आए वाला रहता तो खुद ब खुद उसको निकाल के बाहर एक मिनट में, जब जब पहले कोई भी दरगाह वाले बुजुर्ग या कोई भी शख्स फेंक दे सकते थे, मगर उन्हें गया नहीं, बार बार जाने की कोशिश कर रहा, अभी भी जाने की कोशिश कर रहा, झटका मार के बाहर नीचे मारो झटका मारा मगर निकल नहीं सक रहा, फिर भी वसंत जा गिर गया, वो अंदर हटके लिए दवा है, और दवा जो है तो दवा क्या करती है उसको अंदर ही अंदर लोकचिंग मक से मखना खींच खींच के बुलाती, और उसने उसके जबानी बयान किया कि हाँ ये जो दवा है तो ये खिलाए वाली है, ये किस चीज के अंदर खिलाए, उन्होंने बोला उसको खाना वाना क्या बोला, रोटी रोटी, हाँ रोटी रोटी में खिलाई रोटी में। बेहतर है कि ये सबसे भारी इबादत के राहों को इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो लोगो, तुम अगर इबादत की राह और इबादत की रस्सी को मजबूती से थाम लेंगे और तुम अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल की राह में अपने आप को फिदा और उसके राह में लगा देंगे सब अपना वक्त और टाइम हर चीज, तो फिर वो भी तो तुम्हारी हिफाजत करेगा, वो भी तो हिफाजत की खाना अल्लाह ने, जिक्र अस्कार में खो जाओ, इबादत में खो जाओ, मिट जाओ, गर्क हो जाओ, वो तुम्हारी दुनिया और आखिरत बना देगा इबादत, बाकी जादू टोने ये अमल अमलिया था ये सब हरकत कर तुमको यकीनन मार पड़ेगी। ये कौन करा, ये उसको दूसरी कोई, जब ये बच्ची की पहला शोर का इंतकाल होगा दूसरा निकाह करे, तो दूसरा निकाह करने के बाद कोई औरत है वो कोई बयान कराया मैंने कौन है वो क्या है, तो वो औरत ने जादूगर करने से दवा लाके कोई गांव का नाम दिया उन्हें 70 किलोमीटर के गांव से, वो गांव से कब्रस्तान से पकड़ के लाए, वो सब बना के करके उसको फिर इसके आंग में जाने का हुक्म दे, और वो ये पेशेंट को क्या कर रहा था फिजिकली टच भी कर रहा था, फिजिकली टच बहुत सारे बातें थे वो उतना टच कर रहा था और परेशान कर रहा था कि तुमको बोले तो आम आदमी को समझता नहीं, ऐसा कैसा आम आदमी होता, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा कैसा होगा, क्योंकि शैतान आंग में उसी का परेशान नहीं होगा, इतना टच करके और परेशान नहीं करता, करता यकीनन करता, क्योंकि बहुत सारे राज है तुमको नहीं पता। सबसे आला अफजल अल्लाह का कलाम है, इबादत की राह वो इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, इबादत करो ज्यादा से ज्यादा, ये सब हवाओं से बलाओं से महफूज रहेंगे। और उसने ये सब बातें बयान किया, और बाद में ये भी बयान किया उसने कि उसको मार देने वाला है कोई अम्मास या पुन्नम में ऐसा कुछ बोला उसने, तो वो अम्मास बोला शायद, क्या बोला, हाँ अम्मास, तो बरोबर हमले के टाइम पे वो खुद ब खुद नहीं आया, खुद ब खुद नहीं आया, बयान किया उसने कि मुझे जबरदस्ती पकड़ के लाके अंदर अटका दिए और फंसा दिए, अब मैं क्या करूं, मजबूर हूँ मार मार के काम लगा रहा जादूगर, तो वो खैर अल्लाह के हुक्म से जो भी जादूगर है जो भी बदमाश लोग हमको मार पड़ेंगी और सजा मिलेगी, दूसरों के हाथ से खड्डा खोदने वाला भी गर्म पानी से दूसरे का घर जला रहे तो तुम्हारा भी घर जलेगा ना, नामकूल बदबा दूसरों के हाथ से खड्डा खोदे तो खुद भी खड्डे में गिरेंगे ना, वैसे जहन्नुम के हकदार लोग आए तुम, एक दूसरे पर जादू आकर रह जाके शर्म नहीं आती तुम्हारे को, लोगो सबसे बड़ा हथियार तुम्हारे को अल्लाह ने जादू और वादू की कोई औकात नहीं, दुआ और बद्दुआ दिया लिए, जो तुम्हारे हक में अच्छा करो उसको दुआ करो, और बद्दुआ अगर कोई बुरा भी करो तो पहले माफ करो, फिर बुरा करो तो माफ करो, फिर बुरा करो तो फिर बद्दुआ करो, जब तुम बद्दुआ करेंगे तो बद्दुआ की कैसी चीज है, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने का कौल है कि दुआ जब अर्श पे जाने की कोशिश करती तो उसको जमीन आसमान के बीच में रोक दिया जाता, लोगों दुआ को रोक दिया जाता, अगर तुम्हारे दुआ के साथ में दरूद शरीफ शुरू में और आखिर में नहीं है तो दरूद शरीफ अगर तुमने नहीं पढ़े तो दुआ को रोक देते, और बद्दुआ एक ऐसी चीज है डायरेक्ट अर्श पे चली जाती है, उसको कोई नहीं रोकता, कोई नहीं रोक सकता, सीधा अर्श पे जाती है, ये निकलने की बहुत कोशिश कर रहा झटके मार रहा मगर ये निकल नहीं सक रहा, अंदर बन के अटका दिया था इसको, देखो देखो कितनी कोशिश कर रहा मगर निकल नहीं सक रहा, क्यों नहीं निकल सक रहा, अंदर की दवा ने उसको बन के डाली अटका दिया था, खींच के ले लेते वापिस किस्ता, वैसा जो मुझे दिखता वो तुमको नहीं दिखता, जो तुमको दिख रहा वो सबको दिख रहा,
और दूसरी बात मैं जो तुम्हारा दिखाता प्रैक्टिकल में वो कोई नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये अल्लाह के हुकुम से अल्लाह के फजल व करम से हाजा मिन फजल रब्बी, और कौन कौन सी तुम खुदा की नियामतों को झुटलाऊंगा सब ये अल्लाह रब्बी की मतलब जबान, ये भी अल्लाह की नियामतों में से कुरान पढ़ने वाली जबान, बहुत सारे राज है, बहुत सारे बातें हैं, उनको यहाँ खुलासा नहीं होगा और यहाँ से फैज नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ मिलेगा फैज। अल्लाह खुद जमीन पर आकर नहीं देता अपने चुनिंदा बंदों के हाथ से फैज पहुंचाता। याद रखना औलिया अल्लाह को बुरा बोलना भी नहीं, बुरा सोचना भी नहीं, तुम्हारे तकदीरें जल जाते, तुम हलाक और गर्क हो जाते, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता मेरे वलियों के बारे में बुरा जरा भी सोचे तो खुले जंग का ऐलान कर दूंगा। बताओ फिर जब रब जंग का ऐलान करता तो लोगों तुम्हारी क्या हैसियत और निशान है, तुम्हारे बमों की, गोलों की, मिसाइलों की, न्यूक्लियर पावर की, कोई बम कोई तुम्हारी चीज कार नहीं करती, फिर उसके सामने सब बेकार और बेबस हो जाते, क्योंकि वो ईश्वर है। उसको संस्कृत में ईश्वर बोलेंगे, हिंदी में भी ईश्वर बोलेंगे उसको, उर्दू में खुदा बोलेंगे, अरबी में अल्लाह बोलेंगे, इंग्लिश में गॉड बोलेंगे, उसका नाम है। सिर्फ गॉड मैसेंजर अलग है तो क्या हुआ, गॉड अल्लाह ईश्वर खुदा सब उसके नाम है। जरा बाल से बारीक स्टडीज करो तो पता चलेगा तुमको, हर धर्म की सारे धर्मों के ग्रंथों को पढ़ो, लास्ट में सबका निचोड़ ये निकलता कि एक ईश्वर है, उसकी कोई शक्ल नहीं है, जिसने आत्मा को बनाया वो परमात्मा है, और वो परमात्मा की कोई शक्ल नहीं है, उसकी कोई मूर्त नहीं है, उसकी कोई तस्वीर नहीं है, उसको सिर्फ महसूस किया जाता। समझ में आया, तुमने गॉड मैसेंजरों के फोटो बना दिए, तस्वीरा बना दिए और उनको पूजने लग गए, बेवकूफ जनता, वाम अकल से अंधी शैतान ने बहका दिया तुम्हारा। अल्लाह तुम्हारे दीन की, दुनिया की, आखिरत की सब चीजों की हिफाजत फरमाए। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह। कहां से आए थे? ठीक है, इधर मारवान के तरफ। अभी ये पेशेंट का सवाल जवाब करे तो कितने लाख दिए मुझे? 5 लाख, 10 लाख? कितने बारी में सवाल हुआ ये? एक ही बारी में। अभी तुम अंदर आए तो मेरे को दिए होंगे ना 2 लाख, 5 लाख, हाजिर करने के 1 लाख, 50,000, 25,000, 10,000, कुछ तो दिए होंगे। बोलो, दुनिया देख रही तुम्हारा उधर? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं। मारो, कहाँ से आए थे? छत्तीसगढ़। ठीक है, इधर मारो। ऐसी बातें हैं, बहुत सारे राज है, क्या बोलना तुम्हारे। खैर इंसान हो, समझो और इबादत को मजबूती से थामो, कुरान हदीस पढ़ो तो तुम महफूज रहेंगे सब चीज़ों से, वरना किसी का कुछ नहीं देगा। जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भी। चलो रोक दो, इसे है ना, कट कर दो, ऑटोमेटिक रुक जाता हूँ। अच्छा।